तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं रायबरेली और आपको तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम तक पहुंची हैं हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें रायबरेली रेज कोल फैक्ट्री में बने कोच का उद्घाटन करने से पहले वहां का जायजा वो ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा दें और तमाम इस पूरे कारखाने की बारीकियों को समझते हुए प्रधानमंत्री रेल कोच फैक्ट्री के उद्घाटन से पहले की तस्वीरें पहुंच चुके हैं वो और अभी पूरी फैक्ट्री का वो जायजा ले रहे हैं। तमाम वहां की तकनीकों को वहां की चीजों को वो समझ रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। रामदत्त त्रिपाठी साहब, जाहिर है कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे ये मैसेज लेके तो नहीं जाएंगे कि हम वोट के लिए आए हैं, तो फैक्ट्री का मुआयना करना और ये सब दिखाना जाहिर है कि उनके लिए ज़रूरी है। मगर सबसे ज़्यादा हम लोगों को देखना ये है कि आज वो बोलते क्या हैं, क्योंकि दो मुद्दे इस समय पूरे देश के जहन में हैं। एक तो जो हार हुई है बीजेपी की 3 राज्यों में जो उनके गढ़ माने जाते थे, उत्तर भारत खास करके, और दूसरा जो रफाइल डील पे लेकर के एक बहुत बड़ा ब्लंडर आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के हवाले से ये कह दिया कि साहब ये ऑलरेडी सीएजी को दी जा चुकी है सूचना और पार्लियामेंट्री जो पब्लिक अकाउंट कमेटी में जा चुकी है। तो ये दो पब्लिक इशू इस समय हैं लोगों के ध्यान में और प्रधानमंत्री उसको कैसे अपने लोगों को मोराल बढ़ाते हैं, क्योंकि ये समय वो सेनापति है अगले लड़ाई के मैदान के लिए और उनका काम है मोराल को बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि आज का जो भाषण है वो हमें देखना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कैसे ऑफेंसिव होते हैं आप कांग्रेस पे, वो क्या नया हमला बोलते हैं। हालांकि उन्होंने पहले ही ये संकेत दे दिया, उन्होंने पुराने जो जीप घोटाले हुए थे कांग्रेस के ज़माने में उन्होंने ये कहा कि डिफेंस परचेज में हमेशा घोटाले होते आए रहे हैं और हमने उसको रोकने की कोशिश की। तो अब देखिए आज किस तरह से वो भाषण में क्या चीजें कहते हैं और जहां तक कुंभ की बात, तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये अंदाज रहा है प्रधानमंत्री का। अगर वो किसी भी बड़ी चीज का उद्घाटन करते हैं या कहीं पहुंचते हैं तो पहले हर चीज को समझते हैं, वो देखते हैं, पूरा जायजा लेते हैं और उसके बाद और वो अपने संबोधन में भी जिक्र करते हैं। और देखिए कुंभ की भी देखिए जहां तक बात है, सदियों से चला आ रहा है कुंभ, ब्रिटिश हुकूमत रही हो मुगल हुकूमत रही हो, हुकूमत का काम है सुविधाएं देना। जी जी।